मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 3rd of June 2022। आइए देखते हैं कल क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले हफ्ते में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स अभी है 101.67। कल मॉर्निंग में जब हम डेली एनालिसिस बना रहे थे तब ये यहाँ पे था एंड हमें ये देखना था कि वेदर द इंडेक्स इज टेकिंग रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर जोन एंड कमिंग बैक और नॉट। कल देखा है कि अच्छा खासा मीन्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक मूवमेंट देखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंतजार करेंगे कि इसके लो को तोड़ने का। इसके लो को अगर तोड़ देता दे देता है तो दैट मीन्स ये फिर दोबारा लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूएशन में प्रोसीड करेगा एंड दैट विल गिव ए क्लियर कट डायरेक्शन। बेसिकली मार्केट जब हॉच पॉच मीन्स साइडवाइज चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में रहता है उस टाइम पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन एक बार अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम ले लेता है वेदर इट इज ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड तो क्या होता है कि ट्रेड करने में मजा आता है। तो ज्यादा झटके नहीं लगते हैं, ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होता है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होते हैं, उसके बाद स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं होता है। दैट इज वेयर ट्रेंडेड मूवमेंट एक बार मिल जाता है तो उसमें काम करने में बहुत मजा आता है। तो इसीलिए इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली ट्रेडिंग करना इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हो गया आपका डॉलर रुपी हो गया जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर डॉलर येन एंड अदर करेंसी जिसमें भी जो भी कोई अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें आराम से ट्रेडिंग इनिशिएशंस हो सकता है। डॉलर रुपी में हम देखेंगे कि कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। हालांकि ड्यूरिंग आवर इंडियन मार्केट मार्केट ज्यादा कुछ मूवमेंट था नहीं, लेकिन ये जो ओवरनाइट में ये काफी नीचे के तरफ भी काम हो चुका है, 77.37 में भी काम हो चुका है। अभी हमारा जो कंसर्न है ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन के बाद कब ब्रेकआउट देगा डेट इज आवर कंसर्न। तो ये मीन्स हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करे, वेदर इट इज ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड व्हाट एवर इट मे बी, बिकॉज हमें कोई पर्टिकुलर साइड में व्यू बनाना नहीं है। हमें बेसिकली एक मोमेंटम पकड़ना है, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम हो या डाउनवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम हो। मीन्स एक क्लियर कट डायरेक्शंस मिले तो वहां पे ट्रेडिंग करने में पोजीशंस लेने में मजे आते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमें एक इंतजार है कि ये जोन को ब्रेक करने का। ये जोन जो है बेसिकली आपका इधर है 77.37 और इधर है आपका 88 यानी 50 पैसे का एक रेंज है। यानी अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो एक 50 पैसा यानी 37 तो हो गया आपका 87 के लिए एक मोमेंटम। 80 मींस यहां पे हम 76.85 से 76.90 की तरफ एक डायरेक्टेड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर जैसे ही ये नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करेगा। अगर हम जीबीपी डॉलर देखेंगे परसों जो था एक सेल ऑफ था एंड कल वो सेल ऑफ को रिगेन कर चुका है। ये जो रिगेन इज एसोसिएटेड विद आवर डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड मूवमेंट, ये जो नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ये एक बेसिकली आपका लोअर हायर लो नॉट लोअर हायर लो बनाने का कोशिश कर रहे थे। जस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपका लो था, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, अभी यहाँ पे एक लो बनाया है, उसके बाद जो हाई है ये था ये था। अभी हमारा टारगेट होगा यहाँ से ऊपर होने के बाद ये हाई को तोड़ दे, ये हाई को तोड़ देगा तो एक हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन होगा जहाँ पे हमें ट्रेड करने के लिए अच्छे
मौके मिलेंगे। ये इसके हाई को अगर तोड़ देगा जीबीपी डॉलर में, देन आवर नेक्स्ट टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू बी टूवर्ड्स 1.30। उसी के लिए हमें इंतजार रहेगा। इंतजार कैसे होगा कि अभी इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दे, यानी आपका जो 30th मई का हाई है उसके हाई के ऊपर क्लोज दे देना चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली फॉलो थ्रू होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक आउट तो हो जाता है, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तो जो ब्रेकआउट का जो मजे है यानी जो एडवांटेजेस है या पॉजिटिविटी है वो मिलता नहीं है। दैट इज व्हाई फॉलो थ्रू इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज गुड एज द ब्रेकआउट इज कंसर्न। ब्रेकआउट होने के बाद एक फॉलो थ्रू देना चाहिए, देन एंड ओनली देन उसका जो फ्रूट है, उसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, जैसे कि हमारा ये कल का ये था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं। ये जो सपोर्ट है ये एक एक्सीलेंट सपोर्ट है। बेसिकली क्या था, ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक लेके ये पुल बैक में ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट दिया है। क्योंकि हमारा जो ये मीन्स डेली एनालिसिस है, यहाँ पे मैं जैसे जैसे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप अगर रेगुलर बेसिस में ये मेरा एनालिसिस देखोगे तो छोटे छोटे जो नगेट्स है, छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको मिस सेपरेट वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ये आप डेली रेगुलर बेसिस में जैसे जैसे आप इसको ऑब्जर्व करते जाओगे मेरा एनालिसिस, तो जो मेरा देखने का तरीका है, मेरा जो वे ऑफ एनालिसिस है वो आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं जो यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ ये जो एस्पेक्ट्स है ज्यादातर लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केट में वेल मीन्स इन्फॉर्म्ड एंड वेल डिस्कस्ड स्ट्रेटेजीज या एस्पेक्ट्स है जो मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो डोंट एज्यूम दैट मैं कोई नया चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये नया चीज नहीं है, लेकिन ये जो एनालिसिस है मैं अपनी तरफ से आप लोगों के सामने पेश करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सपोर्ट है दिस इज एन एक्सीलेंट सपोर्ट। अभी जैसे ही आपका 30th मई का हाई तोड़ेगा तो इसका जो टारगेट है हमारा दैट इज 1.09 के 1.0925 से 1.0950, ये उस टारगेट के तरफ आगे बढ़ जाएगा। आरएसआई टर्म्स में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन में कल का एनालिसिस में एक ब्रेकआउट था, हमें उसके बाद देखना था कि ये फिर दोबारा हाई को ब्रेक करता है या नीचे की तरफ आता है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉज कैंडल बनाया है, पॉज कैंडल के बाद हाई के ऊपर एक कंटिन्यूएशन होगा, लो के नीचे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। बेसिकली यहाँ पे हम एक ये इस टाइप का एक मोमेंटम देखने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी ए लोअर हाई, एंड इन सच ए सिनेरियो एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है। यहाँ पे आप अगर शॉर्ट करोगे तो ये हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड वी नीड टू वेट फॉर द ब्रेक ऑफ दिस पार्टिकुलर लो। ये जो लो है इस लो को ब्रेक करने के बाद आपका जो शॉर्ट पोजिशन और आप एड कर सकते, उसके बाद जैसे जैसे ऐसा स्विंग बनाए अगर बनाता है तो वैसे वैसे आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पॉज कैंडल है इसके लो के नीचे एक छोटा शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्मॉल है। अगर हम जीबीपी आईएनआर क्या देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लाइन सपोर्ट लेगा या नहीं, लेकिन परसों का जो मोमेंटम था काफी नीचे आ चुका था एंड अभी ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये हायर लो बना रहा है, व्हाट इट मींस, और इधर है आपका हायर हाई। अभी ये हाई को तोड़ने का हमें इंतजार रहेगा, ये हाई को तोड़ेगा तो इट्स ए गुड ट्रेंडेड अप ट्रेंडेड मूवमेंट, तो हमें
ट्रेड करने के लिए अच्छा आसानी हो जाएगा। अगर हम यूरो आईएनआर देखेंगे, यूरो आईएनआर में भी सिमिलर एक यहाँ इस पार्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस लेने के बाद 2 दिन का एक सेल ऑफ आया एंड कल एक अच्छा खासा बुलिश अपवर्ड मोमेंटम दिखा गया है एंड अभी हमें इंतजार है 30 तारीख का हाई को तोड़ने का। जैसे ये 30 तारीख का हाई को तोड़ेगा देन हमारा जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है दैट इज 84.60 के आसपास, वहां तक एक एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं इन दिस करेंसी पेयर। अगर हम जेपीवाई आईएनआर में देखेंगे, बेसिकली हम ये पार्टिकुलर लेवल तक हम सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश में थे कि ये पार्टिकुलर लेवल पे दैट इज 0.6040 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा इट विल बी कंसीडर्ड एज ए अप ट्रेंड हायर लो फॉर्मेशंस में। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एक लो था, फिर यहाँ पे एक लो था एंड अभी ये लो को तोड़ दिया है, ये पर्टिकुलर लो को तोड़ दिया है। व्हाट इट मींस, इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में आपका थोड़ा सा कमी आ गया है, वीकनेस है। तो अभी इसको ऊपर अगर अप ट्रेंड मूवमेंट करना है तो इसको काफी हर्डल्स यानी काफी मीन्स मशक्कत करना पड़ेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा ना हो कि ये यहाँ से फिर लोअर हाई लोअर लो बना दे। तो ये आने वाले दिन में हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि ये बंदा क्या करना चाहता है, ये जो प्राइस एक्शन है क्या कहना चाहता है, तो इसके ऊपर हमारा नजर रहेगा। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी हमारा जो 1.2625 का टारगेट था वो तो मैट होने के बाद यहाँ पे 2 दिन आपका पॉज कैंडल्स या स्पिनिंग टॉप बना रहा था एंड कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है सेल ऑफ। और उधर आपका 2 दिन पहले जो कनाडा बैंक ऑफ कनाडा ने रेट डिसीशन किया था उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स यानी परसों को 50 बेसिस पॉइंट्स का हाई किया एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो करेंसीज में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट प्रोबेबल जो सपोर्ट होगा अपना ये पार्टिकुलर जोन हमारा प्रोबेबल सपोर्ट होगा यानी आपका 1.25 और 1.2450 एक प्रोबेबल सपोर्ट जोन एक्सपेक्टेड है हमें यहाँ पे। अगर प्राइस एक्शन इधर आता है तो हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर जोन पे हाउ इट इज बिहेविंग। अगर हम ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में ये परसों का जो पॉज कैंडल था उसको ब्रेक करके काफी ऊपर ट्रेड किया है कल एंड अच्छा खासा एक क्लोज दिया है, तो इसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड, एक अच्छा सा आपका अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे यानी हमें एनी अपटिक में भी एनी पुलबैक में भी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ अभी एक्सपेक्टेड है। अगर हम डॉलर सीएनएच देखेंगे, डॉलर सीएनएच में हम कल इंतजार कर रहे थे कि इसके लो को तोड़ देना जो यहाँ पे टूट गया है, तोड़ के नीचे की तरफ आज देखिए आज काफी नीचे आ गया है यानी आपका सी एन एच में स्ट्रेंथ आ रहा है एंड इसका इम्पेक्ट हमें डॉलर रुपी में भी देखने को मिलना चाहिए। बट डायरेक्टली 1-to-1 नहीं है क्योंकि चाइनीज यूएन करेंसी कैसे मूव करेगा उसका कुछ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स है एंड डॉलर रुपी कैसे मूव करेगा उसका भी सर्टेन इंग्रेडिएंट्स है, बोथ द इंग्रेडिएंट्स आर नॉट एग्जैक्टली मैचिंग। तो डॉलर रुपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स है नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली इट विल मैच विथ सीएनएच। तो बट एक ओवरऑल एक हैंड टू हैंड मूवमेंट नॉट आई विल नॉट से दे हैंड टू हैंड मूवमेंट बट एक मीन्स उसी डायरेक्शन में एक लेने का कोशिश कर सकता है। इसको अगर हम देखेंगे तो डॉलर रुपी में हायर चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आने का प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे, कल
ये लो करने के बाद 112 के आसपास ट्रेड होने के बाद फिर ऊपर में आपका आ चुका है एनक्लोज रेट आपका 118.41। बेसिकली जो इन्वेंट्री में काफी कमी दिखा गया, इन्वेंट्री ऑयल इन्वेंट्रीज का जो है डेटा है उसमें काफी कमी दिखा गया, एंड बिकॉज ऑफ विच ये काफी शार्प आफ्टर द इन्वेंट्री रिपोर्ट केम, तो ये ऊपर की तरफ देखा गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें देखना है कि ये देखिए कि एक गया नीचे आया, गया नीचे आया। अभी ये जो है यहाँ के बाद ये अगर ये लो को तोड़ देता है, आई विल बी हैप्पी। व्हाई आई विल बी हैप्पी? बिकॉज जितना ज्यादा ऑयल प्राइसेस होगा उतना ही हमें उसका हीट मिलेगा, उसका पिंच मिलेगा, वेदर इट इज द कमोडिटी प्राइसेस, हमारा डेली खान पान का जो प्राइसेस है उसमें काफी बढ़ोतरी होगा। अगर जैसे जैसे इसका कमी आएगा हमारे लिए उतना ही बेटर है। अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में कल एक छोटा सा पॉज कैंडल बनाया है, एंड डिफरेंट फेड गवर्नमेंट्स आपका रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमेंटिंग ऑन द सेम ट्यून कि ये बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे। अभी हमें देखना है क्रूशियल लेवल ये है, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देगा देन ये एक चॉपी बिहेवियर इंडिकेट करेगा। अभी अभी तक जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता है तो एक ऑर्डरली फैशन में, यहाँ पे देखिए एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कह रहा था, अभी एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, अभी विल बी वेरी सेफ अगर इसका लो को तोड़ दे देता है एंड एक ऑर्डरली फैशन में आ जाएगा प्राइस एक्शंस। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो हमें देखना है कि ये कैसे बिहेव करता है। बेसिकली हम कोई एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, सपोज ये एक्सपेक्ट करेंगे नीचे की तरफ आएगा, देन आवर माइंडसेट विल बी टोटली बायस्ड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मूवमेंट। जब हमारा माइंड बायस्ड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मूवमेंट तो क्या होगा, एनी अपवर्ड मूवमेंट का इंडिकेशन जब भी आएगा हमारा माइंड क्या होगा, उसको इग्नोर करने का कोशिश करेगा, और इग्नोर करने से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा एंड विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ट्रिगर। दैट इज व्हाई हम क्या करना चाहिए हमें कि एक मिस प्राइस क्या किधर जाने का कोशिश कर रहा है उसको देखने का हमें प्रयास करना चाहिए, रदर देन डायरेक्टिंग के प्राइस तू उधर जा ऊपर जा नीचे जा ये कर वो कर, नो। तो अभी के लिए ये जो डेली एनालिसिस है इतना ही, आज थोड़ा एनालिसिस थोड़ा लंबा हो गया है, कल से या आने वाले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे इसको और भी कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।